हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम देखेंगे लेसन 5 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का पार्ट 2। इसी क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, इसका पार्ट 2 देख रहे हैं हम। पार्ट फर्स्ट में हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट, व्हाट हेल्प्स यू टू टेल वेदर ए सोल्यूशन इज एसिडिक और एल्केलाइन। एक सोल्यूशन एसिडिक है या एल्केलाइन है, इसको बताने में आपकी हेल्प क्या करता है, कौन सा सब्सटेंस है जो आपकी हेल्प करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हम बताएंगे इसका आंसर क्या है, एन इंडिकेटर। एक इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है। एग्जांपल के हम ले सकते हैं लिटमस पेपर, लिटमस पेपर तो टू टाइप का होता है, एक तो रेड दूसरा ब्लू। अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो रेड में चेंज हो जाता है। जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू है वो रेड में चेंज हो जाता है। अगर रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो ये एसिड के अंदर, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से हम जब रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं या फिर बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, एल्केलाइन में डालते हैं, तो ये ब्लू में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम ब्लू को डालेंगे बेसिक सॉल्यूशन में तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, गिव द नेम ऑफ सम कॉमन इंडिकेटर्स। कुछ कॉमन इंडिकेटर हैं, उनके नाम हमें बताइए। जो कॉमन इंडिकेटर है, सामान्य जो सूचक हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो उसके नाम देखते हैं हम। सम कॉमन इंडिकेटर्स आर रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल फथेलिन, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच पेपर। इनकी सहायता से हम बता सकते हैं कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। अभी हमने मैंने एग्जांपल लिया था लिटमस पेपर का। इसी प्रकार से जो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है और एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड में बदल जाता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ये कैसे बदल जाएगा, येलो कलर में बदल जाता है। एल्केलाइन सॉल्यूशन या फिर बेसिक सॉल्यूशन एक ही बात है, ये ऑरेंज कलर होता है, मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर होता है, वो येलो कलर में बदल जाता है, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर का हो जाता है। इसी प्रकार से फिनोल पथेलिन क्या होता है, ये कलरलेस होता है, बिना रंग का होता है, और ये एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस ही रहता है, जबकि एल्केलाइन सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर में बदले जाता है। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है, ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है, और जैसे इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड ऑरेंज और येलो कलर में बदल जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को एल्केलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ग्रीनिश ब्लू वायलेट या ब्लू वायलेट में चेंज हो जाता है। और पीएच पेपर में तो आपको पता ही है, पीएच पेपर का जो इंडिकेटर मान होता है वो कितना होता है, 1 से लेकर 14 तक। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे वाले एसिडिक और 7 से ऊपर वाले बेसिक होते हैं। अब देखते क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की 3 प्रॉपर्टी बताइए, 3 गुण बताइए। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर, जो एसिड्स है उसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट है, ऑल एसिड हैव ए श्योर टेस्ट। सभी एसिड कैसे होते हैं, एक श्योर टेस्ट होते हैं, खट्टे स्वाद वाले होते हैं, कैसे होते हैं, श्योर टेस्ट वाले होते हैं। ऑल एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। सभी जो एसिड्स होते हैं, एसिड सॉल्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है, जो ऑल एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सभी एसिड क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और ये हाइड्रोजन आयंस ही हैं, ये ही क्या करते हैं, इसे एसिडिटी के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस से ही कोई सॉल्यूशन एसिडिक होता है, और बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें OH आयन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल्स यूज फॉर कुकिंग फूड कंटेनिंग लेमन और टेमरिट जूस विद ए थिन लेयर ऑफ टिन। मतलब जो कॉपर और ब्रॉन्ज के जो बर्तन होते हैं, उनको खाना बनाने वाले बर्तन,
जो खाना वाले बर्तन होते हैं कॉपर और ब्रॉन्ज के, उनके उनके अंदर जो कलाई की जाती है। एक बार फिर से देखते हैं हम इसको। जब कॉपर और ब्रॉन्ज के जो वेसल्स होते हैं उसमें जो खाना बनाते हैं, और उसके अंदर खाना किसका बना रहे हैं, लेमन का या फिर टैमरिंड, नींबू या फिर इमली के जूस का खाना बना रहे हैं, उससे संबंधित कुछ भी बना रहे हैं, तो उसके उसके अंदर एक पतली सी लेयर बनाते हैं हम कलई की, जिसको बोलते हैं टिन की लेयर लगाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? इसका आंसर है कॉपर एंड ब्रॉन्ज वेसल्स यूज फॉर कुकिंग फूड। कॉपर जो ब्रॉन्ज के वेसल्स होते हैं उनको भोजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंटेनिंग लेमन और टैमरिंड जूस, जिसके अंदर क्या बना रहे हैं हम, लेमन या फिर टैमरिंड जूस संबंधित बना रहे हैं, तो उसको कोटेड करते हैं, एक लेयर लगाते हैं विद ए थिन लेयर ऑफ टिन, एक पतली सी टिन की लेयर लगाते हैं, टू प्रोटेक्ट द वेसल्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेसल्स को एसिड की एक्शन से बचाने के लिए उसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सभी एसिड्स होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करते हैं। मेटल्स मान लो कोई भी धातु है एम, और यहाँ पर कोई भी एसिड है, एसिड हम कुछ भी ले सकते हैं, हमने एक सिंपल एसिड ले लिया, तो हम देखते हैं इसमें क्या बनेगा, इसमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, MCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये क्या होता है, ये जो साल्ट बनता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, इसलिए इसके जो मेटल के जो भी बर्तन होते हैं, वेसल्स होते हैं, इसमें हम एसिड संबंधित खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो साल्ट बनता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर लगा करके। अभी एमपीजीट करता है ये मेटल कौन सी है, सिंगल वैलेंस है या फिर डबल वैलेंस है, उसके अनुसार MCl2। यहाँ पर हम मान लें सिंपल सा कॉपर मान लेते हैं, यहाँ पर CU क्या मान लें, कॉपर, तो यहाँ CuCl2 प्लस H2S। ठीक है बेटा, आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, बेस है उसकी 3 प्रॉपर्टीज हमें बतानी है। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर, जो बेस हैं उसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, बेसिस आर अनप्लीजेंट एंड बिटर। जो बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं, अनप्लीजेंट होते हैं, उनका जो स्मेल होती है कैसे होती है, अच्छी नहीं होती, अनप्लीजेंट होती है, और बिटर मतलब कड़वे होते हैं। अगर हमने इसको चख लिया, जैसे हमारा साबुन होता है कड़वा होता है, इसी प्रकार से कड़वे होते हैं। सेकंड है बेसिस आर सोपी इन टच, जो बेसिस होते हैं उसको टच करने पर साबुन की तरफ चिकने होते हैं, साबुन से चिकना होता है लगाते हैं, साबुन चिकना चिकना लगता है ना, इसी प्रकार से चिकने होते हैं। नेक्स्ट है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो बेस होते हैं वे करते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं, कौन, बेस या बेसिक सॉल्यूशन। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे की क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।